हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम देख सकते हैं स्क्रीन पे। हम डिस्कस करेंगे आज जो भी जीके क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं आज के दिन। तो आज के दिन जो भी जीके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। जो आंसर्स होंगे उनके साथ हम आपको एक्सप्लेनेशन भी कुछ देते चलेंगे, और जो हमें पता होगा, जिन बारे में जानकारी होगी, वो सब आपको भी हम बताते चलेंगे। तो हम देख सकते हैं, शुरू करने से पहले आपको एक बार बता दूं कि यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में टेक्स्ट है। तो ये आप ही लोग के रिक्वेस्ट पे हमने किया है और दोनों टेक्स्ट है। आपको जो जिस लैंग्वेज में आसानी हो समझने में, आप उस लैंग्वेज में इसे समझ सकते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ दोनों टेक्स्ट रखे हैं। चलिए हम बिना देरी किए हुए शुरू करेंगे। और पहला क्वेश्चन हम यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पे, व्हाट इज दी एसआई यूनिट ऑफ जी। पूछा क्या गया है कि जी का एसआई यूनिट क्या है। तो जी, तो आप कैपिटल जी आप यहाँ देख सकते हैं, सभी को पता होगा जी जो होता है वो होता है ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। और ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट ये हमने टेंथ में या नाइन्थ में ही पढ़ लिया था फिजिक्स में। तो जी का जो है एक ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है जो कि पूरे यूनिवर्स के लिए फिक्स है। और इसका जो है आपसे ऐसा यूनिट पूछा गया है, तो ऐसा यूनिट इसका होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये आपको ध्यान रखना है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आगे हम बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हम स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे, रैंक ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। पूछा क्या गया है कि आबादी के अनुसार पाकिस्तान की रैंक क्या है। तो हिंदी में ये था और टेक्स्ट जो है हिंदी में हमने डिक्टेट किया, और ऐसे ही हम पहले इंग्लिश में डिक्टेट करेंगे फिर हिंदी में डिक्टेट करेंगे, उसके बाद आंसर बताएंगे और जो एक्सप्लेनेशन हमें पता होगा वो भी बता सकते हैं हम आपको। तो पूछा गया है कि आबादी के अनुसार पाकिस्तान की रैंक क्या है, तो इसकी रैंक जो है वो 6th है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारत का तो आपको पता ही होगा ऑलरेडी कि 2nd रैंक है, चाइना 1st है, और जो 6th रैंक है वो पाकिस्तान का है। क्वेश्चन में यही पूछा गया था। तो टोटल कितने देश हैं ये भी मैं आपको बता दूं कि 238 देशों में 6वें नंबर पे ये पाकिस्तान है, पहले नंबर पे चाइना और दूसरे नंबर पे भारत है। और भी आप देख सकते हैं, लेकिन ये क्योंकि नेबरिंग कंट्री था इंडिया का, इसलिए इसका पूछ लिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विच टाइप ऑफ मेडिसिन यूज इन इनडाइजेशन। हिंदी में देखे तो अपच में कौन सी दवा का उपयोग किया जाता है, तो जब आप बहुत खा लेते हैं और फिर पचा नहीं पाते हैं, तो इसमें पूछा गया है कि उसके बाद आप कौन सी दवा का इस्तेमाल करके उसे ठीक कर सकते हैं। तो इसके अगर आंसर की हम बात करें तो इसका आंसर होगा एंटासिड। एंटासिड जो होता है वो मतलब क्योंकि जब हम बहुत खा लेते हैं, जब आपका जो है पाचन क्रिया, जैसे खाना जो अपच हो जाता है, इनडाइजेस्टेबल हो जाता है, तो होता क्या है कि HCl जो है काफ़ी सारा सिक्रेट हो जाता है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में है, और इसके कारण जो एसिडिटी हो जाती है, और एसिडिटी को हम खत्म करने के लिए एंटा एसिड यूज करते हैं जो कि जनरली माइल्ड बेसिस होते हैं, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, जिसे हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, तो वैसे कुछ बेसिस जो हम यूज करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, हु रन्स द पार्लियामेंट। पूछा गया है कि संसद कौन चलाता है। तीन ऑप्शन जो हमारे पास यहाँ है वो है लोकसभा के अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति, और या फिर प्रधानमंत्री। तीन ऑप्शन, स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर। तो आप जानते हैं कि तीनों का काम क्या है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का तो एक फॉर्मल काम है बस, उनका जो है मतलब जो बाकी सब बोलते हैं उनमें हाँ में हाँ वो मिलाते हैं, और उनका जो है एक रेस्ट्रिक्टेड होते हैं हाँ भरने, हामी भरने के लिए, ये आपको ऑलरेडी पता है। लोकसभा के स्पीकर क्या करते हैं, तो वो जो है आप एड्रेस करते हैं पार्लियामेंट को, और प्राइम मिनिस्टर जो है वो लोकसभा के जो हेड होते हैं, ये तो आपको ऑलरेडी पता होगा, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अगले क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़ें तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विच प्रोवाइड मोर इलेक्ट्रिसिटी। हिंदी में देखें तो कौन अधिक बिजली प्रदान करता है, और ऑप्शंस जो दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है एटॉमिक पावर, परमाणु शक्ति, दूसरा ऑप्शन थर्मल पावर स्टेशन, और तीसरा जो है वो है विंड पावर स्टेशन, पवन ऊर्जा स्टेशन, और चौथा ऑप्शन में यहाँ देख सकते हैं हाइड्रो पावर स्टेशन। हिंदी में भी हाइड्रो पावर स्टेशन हम यहाँ देख सकते हैं। ऑप्शन चार हमने आपको बताया, इसमें जो हम आंसर की अगर बात करें तो इसका आंसर जो है वो एटॉमिक पावर होना चाहिए, क्योंकि एटॉमिक पावर जो है उससे इतनी एनर्जी निकलती है, आपको पता होगा न्यूक्लियर एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी जो है, मतलब न्यूक्लियर जितना एनर्जी हम वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं उतनी एनर्जी हमें कहीं से नहीं मिल सकती है। और अगर बात करें हम कि कौन सा सबसे अभी यूज होता है, तो उसमें थर्मल पावर स्टेशन का जो है अभी सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है, सबसे ज़्यादा यूज थर्मल पावर स्टेशन होता है, तो कॉमर्शियली ज़्यादा अच्छा होता है, इसीलिए हम इसे सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में एक्जैक्ट क्वेश्चन क्या था, क्या पूछा गया था आपसे कि इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज़्यादा किससे निकल सकती है या फिर अभी किससे ज़्यादा निकाला जाता है, तो दोनों में अलग अलग आंसर होंगे। एटॉमिक पावर से सबसे ज्यादा निकल सकती है और थर्मल पावर स्टेशन अभी सबसे ज्यादा यूज में है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, तो टाइटल ऑफ बाबर जो है तो वो किस लड़ाई के बाद पड़ा था, जिसमें आपसे पूछा क्या गया था ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ क्वेश्चन टेक्स्ट में कुछ गड़बड़ी है, तो यहाँ पूछा गया था कि गाजी टाइटल जो था बाबर के लिए
वो उन्हें किस लड़ाई के बाद मिला था, तो बैटल ऑफ कान्हवा, बाबर का जो गाजी शीर्षक था वह किस लड़ाई के बाद मिला था, तो बैटल ऑफ कान्हवा, कान्हवा का युद्ध जो था उसके बाद ये टाइटल मिला था, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगले स्लाइड की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे कि और कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यहाँ पे मैंने जैसे कि बताया कि आप अंत तक वीडियो देखिए और आपको ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अभी पूछे गए हैं हाल में वो आपको आज के दिन जो भी पूछे गए हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आ रहा होगा, हम जो आपको समझा रहे हैं, जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं वो पसंद आ रहा होगा। और पसंद आ रहा है तो नीचे एक लाइक जरूर करिए, उससे हमें अच्छा लगता है, प्रोत्साहन मिलता है कि आप लोगों को पसंद आ रहा है, तो हम आगे भी ऐसे ही वीडियोज लाते रहेंगे और ऐसे ही आप लोगों के लिए जो क्वेश्चंस हैं एक्यूरेट क्वेश्चंस अपडेट करते रहेंगे। क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो विच वन इज रॉन्ग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, इसमें पूछा गया है कि दिए गए विकल्प में से कौन सा गलत है। तो इसमें आपको विकल्प, इसमें गलत कैसे चुनना है, देखिए पहला ऑप्शन हम देख सकते हैं थर्मोमीटर और टेम्परेचर। तो इसमें बोला क्या गया है कि जैसे थर्मोमीटर है उसका काम क्या है, टेम्परेचर नापता है, तो ये बिल्कुल सही है, टेम्परेचर मापता है। दूसरा ऑप्शन जो है बैरोमीटर, प्रेशर, तो बैरोमीटर जो है वो प्रेशर मापता है, ये आपको पता है बैरोमीटर जो प्रेशर का मेजर करता है। तीसरा ऑप्शन लेंथ, मास, लेंथ क्या है, मास को मेजर करता है, बिल्कुल नहीं, दोनों जो है अलग अलग क्वांटिटीज है, बेसिक क्वांटिटीज, तो ये ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत है। तो लेंथ जो है वो डिस्टेंस को मेजर करता है, आपको भी पता, और मास जो है वो कितना कंटेंट है, क्वांटिटी कितना है आपके बॉडी में उसे मेजर करता है, तो दोनों अलग चीजें होती हैं, इसलिए ये जो ऑप्शन है गलत है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अगला क्वेश्चन में यहाँ देख सकते हैं चमेरा डैम लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, इसमें पूछा गया कि चमेरा बांध जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। अगर हम इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश जो कि हमारे आप कह सकते हैं कि सेंट्रल इंडिया में है हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल, माफ कीजिएगा, हिमाचल प्रदेश कहाँ है, नॉर्थ इंडिया में है, और हिमाचल प्रदेश में जो ये चमेरा डैम है, तो हिमाचल प्रदेश नॉर्थ इंडिया में जम्मू कश्मीर के नीचे है, आपको खुद पता होना चाहिए ये सब, और ये सब तो बेसिक क्वेश्चन है। तो ज्योग्राफी का ये क्वेश्चन आया था, और अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हम स्क्रीन पे देख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ डेब्ट, तो इसमें पूछा क्या गया है आपसे कि निम्न में से कौन सा ऋण नहीं माना जाता है। तो इसमें चार ऑप्शंस जो आपको दिए गए हैं वो हमारे पास नहीं है, इसलिए दो ही ऑप्शन है, दो ही ऑप्शन हम आपको बताएंगे, कॉमर्शियल पेपर्स और दूसरा स्टॉक्स। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर इसमें आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ डेब्ट, तो इसमें से कौन सा जो है ऋण नहीं माना जाता है, स्टॉक नहीं माना जाता है, कॉमर्शियल पेपर नहीं माना जाता है, दोनों में से आपको आंसर चुनना था। तो हम इसके आंसर आप पे छोड़ते हैं, आप क्योंकि इस आंसर में हमें कंफ्यूजन है, तो हम इस आंसर पे यहाँ पे बात नहीं करेंगे। तो ज्यादा उम्मीद इसका आंसर जो है वो स्टॉक होना चाहिए, क्योंकि स्टॉक एक व्यवहारिक जैसा जिस आधार पे हम कह रहे हैं उस हिसाब से स्टॉक होना चाहिए। और हम वैसे आप एक बार कंफर्म हो लीजिए, हम एक्यूरेटली आपको ये आंसर नहीं बता सकते हैं, तो जिन्हें ये आंसर आता है डेफिनेटली आप नीचे जाके कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, हमें अच्छा लगेगा और हम जो है ध्यान जरूर देंगे कि किस किन स्टूडेंट्स ने आंसर दिया, और जिन स्टूडेंट को नहीं आता है आंसर वो भी नीचे जाके देखें, क्योंकि वहाँ इतने सारे स्मार्ट स्टूडेंट्स हमारे वीडियोस देखते हैं, तो उनमें से बहुत को आता ही होगा, तो उन्होंने वहाँ दिया होगा, आप वहाँ जा चेक कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो लेवन हॉक साव फ्री लिविंग सेल्स, वेयर डिड ही साव, पूछा क्या गया है कि लेवन हॉक ने जो लिविंग सेल देखा था सबसे पहले वो कहाँ देखा था। और तीन ऑप्शंस यहाँ हमारे पास हैं, पहला ऑप्शन है सी वाटर, समुद्र का पानी, दूसरा है पॉन्ड वाटर, तालाब का पानी, और तीसरा क्या है, इंसान, मतलब इंसानों में देखा था, कहाँ देखा था ये आपसे पूछा गया। तो इसका आंसर जो होगा वो पॉन्ड वाटर होगा, तालाब के पानी में लिवन हॉक ने ये सबसे पहले गौर किया था। तो ये काफी जरूरी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायो का क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़े तो अगला क्वेश्चन हम यहाँ देख सकते हैं आफ्टर विच फाइट अकबर रिज्यूम्ड द टाइटल गाजी, पूछा क्या गया है अकबर ने किस युद्ध के बाद गाजी का पद ग्रहण किया था। तो आप देख सकते हैं कि अभी पिछला एक क्वेश्चन हमने बताया था बाबर के बारे में, आपको बाबर में को भी ये टाइटल जो है गाजी का मिला हुआ था, और वो बैटल ऑफ कान्हवा, कान्हवा का युद्ध जो हुआ था उसके बाद मिला था। यहाँ जो है आपसे पूछा गया है कि अकबर को कब मिला था, तो अकबर को जो है वो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का जो की जो दूसरी लड़ाई हुई थी उसके बाद अकबर को ये टाइटल मिला था गाजी। तो ये भी आपके लिए काफी जरूरी, आप देख सकते हैं कोई भी स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो सकता है इसमें, इसलिए आपके पास प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए और आप इसे ध्यान रखिए, इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एक आपको जो है अंदाजा अभी पता चल रहा होगा कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, हर रोज हम यहाँ डालते हैं आपको एक्यूरेटली बताते हैं कि कौन से क्वेश्चंस आए थे, कब आए थे, तो वो सब आपको बिल्कुल जो है एक अच्छा आइडिया दे रहा होगा, और आपको एक कॉन्फिडेंस, अगर आप आंसर कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको कॉन्फिडेंस दे रहा होगा, अगर नहीं कर पा रहे तो भी कोई बात नहीं, आप लगे रहिए और जो है कोशिश करिए कि जैसे जैसे अभी रिवाइज करते रहे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अपडेशन ऑफ कमर्शियल टैक्सेस, पूछा क्या गया है कि वाणिज्यिक करों को अद्यतित करने की आवृत्ति क्या है।
तो ये आपसे पूछा गया हिंदी में, हमने देखा ऑप्शंस हैं यहाँ हाफ ईयरली, अर्धवार्षिक, दूसरा है मंथली, मासिक, तीसरा है क्वार्टरली, त्रैमासिक जो हम 1/4 जानते हैं, और ईयरली वार्षिक। तो यहाँ चार ऑप्शन है, आप कंफर्म कर लीजिए इसका आंसर क्या, और नीचे कमेंट सेक्शन मेंशन करिए ये, क्योंकि जो है एक आप कह सकते हैं कि ये आप क्योंकि ये टैक्सेस से क्वेश्चन है, एक पॉलिटिकल साइंस के अंदर आप इसे कह सकते हैं। तो ये आपको अगर आंसर आता हो तो आप नीचे जरूर इसका आंसर दें, हम देखेंगे आपके आंसर्स को, और अगर बाद में हम अपडेट कर देंगे तो उसके लिए कोई, जिनके आंसर दो क्वेश्चन के आंसर हमने यहाँ नहीं दिया हमें पता है, और हम जो है इसके आंसर नीचे अपडेट कर देंगे, और स्टूडेंट्स भी करते रहते हैं तो हमें अच्छा लगेगा कि आप लोग अगर आता है तो नीचे आंसर करें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें, तो वन क्वेश्चन वाज अबाउट एंशियंट मॉन्यूमेंट्स बिल पास्ड इन जनवरी 2018। पूछा क्या गया है कि हाउ मेनी कंपनीज वेर असाइंड द 14 मॉन्यूमेंट्स। इसमें आपसे पूछा गया था कि एक प्रश्न जो है वो जनवरी 2018 में पारित कर दिया गया था, जो एंशियंट मॉन्यूमेंट्स का बिल जो है वो पास हुआ था, तो जो इसके बारे में आपसे क्वेश्चन एक था, ये क्वेश्चन क्या था एक्यूरेटली हमें नहीं पता है, लेकिन इससे इसके बारे में था, ये हमने आपको बता दिया है। तो उम्मीद है कि आप जो है इस टॉपिक को एक बार जो है अपने खुद से देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। और पूछा क्या गया था इसमें मेन क्वेश्चन कि 14 स्मारकों में कितनी कंपनियों को सौंपा गया, मतलब कितने कंपनियों को जो है 14 मॉन्यूमेंट्स असाइंड किए गए, ये आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस आए थे, और पूरे दिन के क्वेश्चंस जो है, मतलब अभी जो क्वेश्चंस आज के अभी तक आए हैं हमारे पास, वो सारे क्वेश्चंस हमने आपको यहाँ पे बता दिए हैं, और आगे भी जो है हम क्वेश्चंस अभी डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा फेसबुक पेज का जो आईडी है, और फेसबुक पेज पे आप हमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ सेंड मैसेज का एक ऑप्शन है, तुरंत उसे दबाएं और हमें मैसेज करें कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो हम डेफिनेटली आपको वहाँ रिप्लाई करेंगे। पेज को लाइक करें, आप देखेंगे कि वहाँ हम सारे क्वेश्चन जो है पिछले दिनों के डालते रहते हैं, तो अगर आपका कोई वीडियो छूट जाता है या फिर कोई वीडियो हम नहीं डाल पाते हैं यहाँ, तो वहाँ आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आंसर्स मिल जाएंगे, एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे। और स्टूडेंट्स जो हमारी चैनल अभी पहली बार देख रहे हैं, उन्हें हम कहना चाहेंगे कि सब्सक्राइब कर ले प्लीज़। और आपको तो पता ही होगा कि हम यहाँ सारे शिफ्ट के क्वेश्चन शाम को हर रोज डालते हैं, सारे जो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में डालते हैं, आपको समझाते हैं, तो उम्मीद है कि आपको ये सब पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो नीचे प्लीज़ एक लाइक करें, एक लाइक करेंगे आप नीचे और हमें जो है प्रोत्साहन मिलेगा और ये करने के लिए, और मुश्किल भी काफ़ी होता है, तो हमें अच्छा लगेगा कि जो हम कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स को कम से कम पसंद तो आ रहा है। तो प्लीज़ यहाँ लाइक करें और कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और अगर बहुत पसंद आया हो तो आप शेयर भी कर सकते हैं इसे, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जो कोई भी आगे अब वीडियो डालें या फिर कोई जो आगे अपडेट डालें तो वो आपको तुरंत मिल जाए, कोई परेशानी ना हो खोजने में। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, अपडेट्स के साथ। तब तक चलते हैं, उम्मीद है कि आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक कर लिया होगा। धन्यवाद, थैंक यू।